ठीक है, इसे मैं बना रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पी बराबर 99 है, तो आपको पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 पी प्लस 3 बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, आप मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, आप सिर्फ बनाने पे और इसे देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है, और इससे भी शॉर्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे, पहला है कि पी इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 पी प्लस 3 दे रखा है, और इसका आपसे मान पूछ रहा है कि ये क्या होगा, और मुझे दे रखा है कि पी की जगह 99। अगर आप यहाँ पे पी की जगह अगर मान ऐसे रखेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं रख के हम क्या करते हैं, इसे पी को अगर इससे करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, और ये आपका 3 पी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 पी होगा, ठीक है ना। मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 3 पी अगर मैं कॉमन ले लूँ, 3 पी अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3 ले लेता हूँ, यहाँ से भी 3 ले लेता हूँ, या मैं पहले लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, ये 3 पी पी क्यू। अब इस दोनों में आप 3 पी 3 पी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, प्लस आपका बचा पी प्लस 1। अब यहाँ से देखने पे आपको कुछ लगता होगा कि जैसे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, एक फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी का होल क्यू बराबर जो होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये आपका ए है और ये बी है, मतलब 1 तो आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे रखता हूँ, पी क्यू प्लस 1 का क्यू कर देता हूँ प्लस 3 ए पी ए इंटू बी, और ये पी प्लस 1। यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा आ रहा आपका, तो आप इसे एक सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, ये गायब हो जाएगा, मगर इस टोटल को आप लिख सकते हैं पी प्लस 1 का होल क्यू और माइनस 1, ठीक। पी प्लस 1 का अगर होल क्यू लिखते हैं माइनस 1 लिखते हैं, इसका मतलब पी की जगह दे रखा है आपका 99, अगर 1 करते तो ये 100 हो जाएगा, 100 का अगर क्यू करेंगे तो ये इतना होगा, और माइनस 1 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी 6 9 हो जाएंगे, 9 9, ये आपका आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल शॉर्ट में आया, अगर आप दूसरे तरीके से इसे बनाएंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। और ये जो चीज़ है, ये मैं डायरेक्ट इसे ऐसे लिख सकता हूँ, अगर थोड़ा बड़े बच्चे ऐसे लिखेंगे, सीधा सीधा ये होता है इसका रिजल्ट, ठीक है, आप यहाँ पे डाल दें और आपका आंसर जो आ जाएगा ये, ठीक ना। ये मैं तो बताया कि कैसे आता है ये रिजल्ट, ठीक है, ये रिजल्ट अगर जान जाएगा तो ये डायरेक्ट आएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड भी ईजी है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट 3, और ये आपसे मान पूछ रहा है 18 x टू पावर 12 प्लस x 6 प्लस 1, इसका मान पूछ रहा है, हालांकि इसका मान तो होगा ये 0 ही आता है। अब ये कैसे होगा, तो पहले एक काम करेंगे हम कि x अगर ये ऐसा दे रखा हो तो x पावर 6 का जो मान आता है वो माइनस 1 आता है, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना आता है आपका 0, ठीक है। तो x पावर 6 प्लस 1 जो होता है, या x पावर 6 प्लस 1 जो होता है, इसके जगह हम 0 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे, जैसे x पावर 12 कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे तो ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी ये माइनस 1 हो जाएगा आपका, ये प्लस 1 हो जाएगा आपका, और ये फिर ये माइनस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1, ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, ये 0 आ गया, मगर हमें ऐसे नहीं बनाना। आप x पावर 12 कॉमन ले लीजिए, तो इसके पास x पावर 6 प्लस 1, और ये तो आपका x पावर 6 प्लस क्या है 1 है ही, इसकी जगह 0 होगा तो पूरे 0, ये 0 होगा तो ये भी 0, तो ये 0, ठीक है। मगर हमें ये देखना है कि ये आता कैसे है, कि x पावर 6 इक्वल टू माइनस 1 कैसे आता है, ठीक है, ये x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 कैसे आता है, पहले मैं ये देख लेता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। पहले ये आ कहाँ से रहा है ये देखेंगे, जैसे अगर हम इसका एलसीएम लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना होगा अंडर रूट 3x आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो जैसे स्क्वायर बोथ साइड करें, एक्स पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
ये इतना हो। अब अगर मैं इसे इधर लाऊं तो x पावर 4 माइनस x पावर 4 माइनस ये दो है ये तीन है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना जी। देखिए ये जो आ रहा है जैसे एक चीज होता है कि आप ये देखेंगे कि अगर ये माइनस है तो आप ये देखेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। मैं नीचे लिख रहा हूँ ऊपर लिख देता हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ये ए बी है यानी एक्स स्क्वायर इंटू वन करेंगे दिखता ही आएगा और ये आपका वन। या आप इसे अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है इंटू अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर को स्क्वायर से कर दें तब भी इतना ही आएगा ठीक है। मैं पूरे फॉर्म में लिख देता हूँ ये इसके बाद ये हो जाएगा ये नहीं डायरेक्ट में कर देता जैसे इसे आप ऐसे लिख सकते एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वन का क्या स्क्वायर बराबर कितना जीरो। जब अगर ये मान आपका जीरो हो जाता है अगर ये अगर जीरो कर देंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू भी आपका कितना हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा ठीक है। इसलिए ये ए रहा और ये बी रहा इसका मतलब ये है कि एक्स पावर एक्स स्क्वायर का क्यू प्लस वन का क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा ये यहाँ से ठीक है। तो ये कितना आया एक्स पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो। या तो अगर ऐसे लिखते हैं ए क्यू बराबर क्या होगा माइनस बी क्यू ये भी हो सकता था। तो यहीं से ऐसे भी लिखा सकते हैं एक्स पावर सिक्स बराबर कितना माइनस वन। या तो आप ये रिजल्ट याद रखें कि एक्स पावर सिक्स प्लस वन बराबर कितना होता है जीरो होता है तब जीरो होता है जब एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर क्या आया आपका अंडर रूट थ्री आया ठीक है ये याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि अगर इसमें आप मान लीजिए कि एक्स पावर ट्वेल्व कॉमन निकालते हैं तो एक्स पावर अगर ट्वेल्व कॉमन निकालेंगे तो एक्स पावर कितना सिक्स प्लस वन बचेगा और ये तो एक्स पावर सिक्स प्लस वन है ही ये जीरो ये भी जीरो बराबर क्या आ गया आपका जीरो आ गया समझे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आएगा जीरो आएगा ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स पावर 18 प्लस एक्स पावर कितना 12 प्लस एक्स पावर 6 प्लस 1 तो ये आपका कितना आएगा एक्स पावर 12 अगर कॉमन निकालते एक्स पावर 6 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 6 प्लस 1 यहाँ ये जीरो है ये भी जीरो है ये कितना माना है आपका जीरो है ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि x प्लस वन बाय एक्स बराबर सी प्लस वन बाय सी तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना आएगा। मैं ये बता दूं कि x का मान जो आएगा यही x का जो मान आएगा वो आपका कितना होगा c होगा और वन बाय क्या होगा आपका c होगा। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसा है कि दोनों आप तो ऐसे कंपेरिजन कर लेंगे ऐसे 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 भी ऐसे निकाला नहीं जाता आपको निकाल के मैं बता रहा हूँ कि कैसे आया कि x बराबर c और 1 बाय सी। तो पहले ये देखिए कि अगर मैं इसे इधर लाऊं x माइनस सी अगर इसको भी इधर लाऊं तो 1 बाय x माइनस 1 बाय सी बराबर कितना हो जाएगा जीरो। ये x माइनस सी है ऐसे रखता है एलसीएम लूंगा तो ये x ही हो जाएगा और ये c माइनस x हो जाएगा ठीक है बराबर कितना जीरो। इसमें से एक काम करता हूँ x माइनस सी इसे माइनस में कन्वर्ट कर देता हूँ एक्स माइनस सी अपन कितना होगा एक्स प्लस एक्स इंटू सी बराबर कितना जीरो। अब देखिए एक्स माइनस सी यहाँ भी है एक्स माइनस सी भी यहाँ भी है तो मैं एक काम करता हूँ एक्स माइनस सी को कॉमन ले लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे वन बचता है यहाँ पे वन बट्टा कितना एक्स सी बचेगा ठीक है बराबर जीरो। जब हम इसे एक्स माइनस सी को एक्स माइनस सी बराबर जीरो करेंगे यानी कि दो पार्ट है एक सिंगल जीरो होगा ये भी जीरो होगा एक्स बराबर कितना आया आपका सी आया। जब इसे हम बराबर करते हैं यानी वन बट्टा एक्स सी बराबर जीरो करते हैं तो वन बाय एक्स सी बराबर कितना आएगा वन यानी कि अगर एक्स को उठा के उधर ले जाए एक्स बराबर कितना आएगा वन बाय सी यानी एक्स का मान जो आ गया सी और वन बाय कितना सी ये समझने में दिक्कत है। अब इसके बाद
आपका फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर भी काफी इजी क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर है कि x बराबर दे रखा है आपको 1 प्लस अंडर टू प्लस 1 बाय अंडर, हाँ वन सॉरी x बराबर दे रखा है 1 प्लस अंडर टू प्लस अंडर रूट 3 दे रखा है और आपसे इसका मान पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये देखेंगे कि अगर हम x को इधर ले आए, सॉरी 1 को इधर ले आए, x माइनस 1 हो जाएगा, ये अंडर 3 लिख देता हूँ पहले और उसके बाद अंडर रूट 2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये अंडर रूट 3 एक्स माइनस 1 बराबर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब भी, ठीक है, या एक ही बार में यहाँ पे 4 है, मैक्सिमम पावर आपका 4 है, 4 करेंगे तब भी बात उतना ही आएगा। मैं एक काम कर लेता हूँ कि अगर इसे मैं एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 लिखूँ तो ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बराबर आपके कितना होगा, 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा। अब इससे अगर एलसीएम करते हैं तो एलसीएम अगर हम करेंगे तो ये कितना होगा आपका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 और ये आपका प्लस 1, ठीक है, ठीक। ये एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट कितना, 3 हो जाएगा, बराबर आपका कितना है 2 अंडर रूट 3 आया। और ये अगर मैं उसको इसको इधर ले जाऊँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस ये आपका 2 हो जाएगा और 2 अंडर रूट 3 और ये इंटू एक्स माइनस कितना होगा 1। यहाँ तक तो समझने में दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब क्या करना है कि मुझे अब इसका भी स्क्वायर करना दोबारा मुझे, ठीक है। इसका अगर स्क्वायर करूँ तो मैं इसे मिटा देता हूँ, सही क्या हुआ ना, सही है। मैं इसका स्क्वायर करता हूँ दोबारा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 2 का अगर स्क्वायर करो बराबर बराबर करना होगा 2 अंडर 3 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये तो एक्स पावर 4 हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा माइनस 2 ए भी, तो माइनस प्लस 2 ए भी, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ये 4 एक्स क्यू हो जाएगा और ये भी माइनस ही होगा, दो दोनों 4 4 दोनों 8 8 एक्स हो जाएगा और प्लस प्लस दो दोनों 4 4 कितना होगा एक्स स्क्वायर और ये आपका दो दोनों 4 4 तीन 12 12 होगा और ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब है कि 2 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये आपका एक्स पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, ये देखिए 4 एक्स स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर आपका कितना हो गया आपका 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यू, अभी लिख देता हूँ ऐसे माइनस 8 एक्स अब प्लस आपका कितना हुआ 4 बराबर ये 12 एक्स स्क्वायर हुए माइनस 12 दोनों 24 एक्स हो गया अब प्लस ये 12 अब सबको उठा के इधर ले आइए, ठीक है। तो एक्स पावर 4 हो गया, अब क्यू अगर यहाँ पे क्यू है तो माइनस 4 एक्स क्यू, ठीक है, ये माइनस आपका 4 एक्स क्यू और इसके बाद और क्या बच रहा है आपका, देखिए इसका काम मैंने कर दिया, ठीक है, और इसका काम कर दिया, सॉरी इसका काम कर दिया, इसका काम कर दिया। अब मुझे स्क्वायर वाले काम करना है, ये 8 एक्स स्क्वायर है या 12 है, तो इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 में से अगर 8 जाएगा सॉरी 8 में से 12 जाएगा तो ये आपका कितना होगा माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इसका भी हो गया इसका भी हो गया, ये माइनस 8 है ये माइनस 24 है तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो आपका माइनस 8 एक्स माइनस 24 प्लस 24 हो जाएगा और 16 8 कितना होता है
24 होता है तो 16x हो जाएगा, और ये 4 है, ये 12 है, इधर आएगा तो -8 बराबर कितना, ये चीज यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब एक चीज देखिए कि ये पूरा मान तो आपको 0 दे रहा है, ठीक है, मगर हमें निकालना है 2x² + 8x³ - 5x² + 26x - 28 निकालना है, ये आपको निकालना है। तो आप ये देखें कि मुझे ये पुराने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दो सबको, 2x⁴ - 8x³ - 4 × 8x² + 16 × 32x और -8 × 16 = 0, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, ये देखिए ये दोनों पुर गया आपका, मुझे यहाँ पे -5x² चाहिए, मगर आ कितना रहा है आपका -8, इसका मतलब है कि मुझे +3 करना पड़ेगा, इसका मतलब ये +3x² या इधर घटा लीजिए आप -3x², ठीक है, प्लस उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये तो ये आपका कितना होगा, ये सॉरी पहले यही कर लेता हूँ, आप इसे ब्रेक कर ले -5x² और इस वाले पार्ट को आप उधर लिख दे 3x², ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +26 है, यहाँ पे आपका 6 एक्स्ट्रा रखा है तो मैं इसे कर दूंगा -6x, और ये आपका कितना होगा +26x, और ये -28, तो इसको जबरदस्ती मुझे घटाना पड़ेगा कितना, 8 उधर और 4 इधर, -12 इधर घटाना पड़ेगा, तो मैं इसे -12 दे देता हूँ, ठीक है, -12 - -12 तो ये कितना हो गया आपका -28, यानी कि 3x² - 6x - 12 बराबर आपका क्या है, ये निकालना है, यानी कि निकालना है 3x² - -2x - 4 बराबर क्या होगा। तो ये अब यहाँ पे देखें कि -+4x² - 2x + 2 बराबर इतना दे रखा है, √2 बराबर इतना दे रखा है, तो मुझे ये मान चाहिए, तो इसका मान जो है आपको आ रखा है 3 √2 √6 आ रखा है, ठीक है, 2√6 आ रहा है, 2√6 ही आ रहा है, तो ये आपका कितना हो गया 6√6, ये पूरा पूरा आंसर कितना आया आपका 6√6, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार बनाए,